तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस मैच में सभी दर्शकों का स्वागत है। भारत और पाकिस्तान के बीच में खेला जा रहा है, 10 ओवर का ये मैच है और भारत के लिए लक्ष्य 10 ओवर में 111 रन। जी हां, 60 गेंदे और 111 रनों का लक्ष्य भारत के लिए। रोहित शर्मा स्ट्राइक पर, पहली ओवर डालेंगे शाहीन शाफरी। तो चले इस इनिंग की पहली गेंद, ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे शाहीन शाफरी। रोहित शर्मा के लिए एक स्लिप जो है पीछे रखी है उस बॉल, और यहाँ पे गेंद को धकेला स्क्वायर लेग की तरफ एंड पहली गेंद के ऊपर चौका जड़ दिया रोहित शर्मा ने। जबरदस्त शुरुआत यहाँ पर होती है भारत की इनिंग की। पिच की बात करें तो स्टैंडर्ड पिच है और बल्लेबाजी के लिए बेहतरीन पिच यहाँ पे लगता हुआ। प्रति ओवर 11 रनों की आवश्यकता भारत के लिए। दिल्ली के मैदान में मैच चलता हुआ 111 रन 60 गेंदों में। पहली गेंद के ऊपर चौका मार के इरादे बिल्कुल स्पष्ट कर दिए गए रोहित शर्मा की तरफ से। शाहीन शाफरी अगली गेंद यहां पे डालेंगे, इस बार भी उसी दिशा में गेंद, वही नतीजा। स्क्वायर लेग पर कोई खिलाड़ी पीछे मौजूद नहीं है। दो गेंदों में दो चौके और काफी निराश भी होते हुए शाहीन शाफरी। जिस तरीके से शुरुआत हुई भारत की, दो गेंदे दो चौके के साथ भारत की शुरुआत यहां पर होती हुई। तीसरी गेंद इस ओवर की, रोहित शर्मा बहुत ही खतरनाक यहाँ पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। वो अच्छी गेंद यहाँ पे, अतिरिक्त उछाल मिला गेंद को। 147 किलोमीटर रफ्तार से यहाँ पे गेंदबाजी कर रहे हैं शाहीन शाफरी। चौथी गेंद इस ओवर की, सीधा शॉट स्ट्रेट ड्राइव, लेकिन नॉन स्ट्राइकर एंड की जो स्टंप है उसको गेंद लग गई, कोई रन मिलेगी नहीं यहाँ पर। बिल्कुल शॉट तो सही था लेकिन ये गेंद स्टंप को लग गई है, वरना यहाँ पर भी एक और बाउंड्री मिल सकती थी रोहित शर्मा के लिए। लेकिन चलिए, अच्छी शुरुआत यहाँ पर होती है भारत की। 56 गेंदे बची है, 103 रनों की आवश्यकता यहाँ पर। इस ओवर की पांचवी गेंद, रोहित शर्मा स्ट्राइक पर, इस बार उठा के शॉट लॉन्ग गॉन के ऊपर से 6 रनों के लिए। पहला छक्का भारत की इनिंग का, थोड़ी सी आगे लेंथ यहाँ पर डाली शाहीन शाफरी ने और कमाल का शॉट ये लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन। बाबर आजम फील्ड में बदलाव यहाँ पे करते हुए दिखाई भी दे रहे, 14 रन यहाँ पे हो चुके हैं। आखिरी गेंद है, लास्ट गेंद का सामना करेंगे रोहित शर्मा। एक और गेंद स्क्वायर लेग पर, सिंगल मिलेगी, एक ओवर की समाप्ति यहाँ पर। 15-0 भारत, एक ओवर में बन गए 15 रन बिना किसी नुकसान के भारत। शुरुआत बहुत बेहतरीन हुई है और ये शॉकिंग है कि बाबर आजम यहाँ पर दूसरी ओवर लेकर आ चुके हैं। क्या विकेट निकालने की कोशिश है यहाँ पर, लेकिन बाबर आजम आएंगे तो इनका स्वागत करेंगे रोहित शर्मा छक्के के साथ। थोड़ा सा शॉकिंग रिजल्ट है कि जिस तरीके से गेंदबाजी खुद बाबर आजम यहाँ पे कर रहे हैं, क्या विकेट निकालने की कोशिश यहाँ पे जरूर करेंगे। लेकिन पहली गेंद के ऊपर छक्का जड़ दिया रोहित शर्मा ने, 68 मीटर का छक्का, 21 रन मात्र 1.1 ओवर में। एक और शॉट स्क्वाड्रा फील्डर के हाथ में गेंद जाएगी, लेकिन कंडीशन बहुत बेहतरीन है आज के इस मैच के लिए। महंगी ओवर गई, शाहीन शाफरी की तालियां जरूर यहां पे बजाते हुए हौसला अफजाई कर रहे पाकिस्तानी खिलाड़ियों का। 52 गेंदों में 90 रनों की आवश्यकता। एक और शॉट कवर ड्राइव, यहां पर फील्डर के हाथ में गेंद, रन नहीं मिलेगी। सभी के सभी गेंदे अभी तक रोहित शर्मा ने खेली है, यशस्वी जायसवाल को स्ट्राइक अभी तक मिली नहीं। 51 गेंदों में 90 रनों की आवश्यकता है। अगली गेंद इस ओवर की, और हवा में गेंद है इस बार, लेकिन फील्डर के ऊपर से 4 रनों के लिए। जी हाँ, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए सही गेंद हवा में थी लेकिन फील्डर के पहुंच से बहुत दूर थी। ये देखिए, एक और चौका इस ओवर में, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 4 रनों के लिए। तो 50 गेंदे बचे, 86 रनों की आवश्यकता है। अब रोहित शर्मा 25 रन पे पहुंच चुके हैं। एक और स्क्वायर ड्राइव, बढ़िया फील्डिंग वहां पर, रन नहीं मिलेगी। तो चले इस ओवर की आखिरी गेंद, अब लास्ट गेंद का सामना करेंगे रोहित शर्मा। ओ अच्छी गेंद, अंदर की तरफ जरूर आई, अपील यहां पे किया गया, विकेट। जी हाँ, LBW यहां पे आउट हो चुके हैं रोहित शर्मा। बाबर आजम को यहाँ पे विकेट मिलती हुई और शायद रिव्यू की तरफ जाएंगे, चर्चा भी कर रहे क्या बल्ले के साथ संपर्क हुआ था वो भी देखना पड़ेगा। पिचिंग आउटसाइड तो ऑफ स्टंप है, इंपैक्ट कहाँ पे हुआ है, इंपैक्ट इन लाइन, जी हाँ बिल्कुल आउट है यहाँ पर।
रियू लेने से कोई फायदा नहीं मिलेगा, अंपायर्स कॉल की तरफ ये निर्णय जाने वाला है। बेल्स को हिट कर रही थी गेंद, पहला झटका भारत के लिए। जी हाँ, पहली विकेट का पतन यहाँ पर हो चुका है। रोहित शर्मा वापस जाएंगे 25 रन बना के, 25 पे एक भारत। विराट कोहली अब अगले बल्लेबाज मैदान में आ चुके हैं। 111 रनों का लक्ष्य भारत के लिए, 10 ओवर की मैच है और एक और स्पिनर यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए शादाब खान को लाया गया है। सामने यशस्वी जायसवाल है, पहली गेंद का सामना करेंगे अपनी इनिंग का। 48 गेंदों में 86 रन, अच्छी गेंद यहाँ पर और स्पिनर की गेंद थोड़ा सा रुककर जरूर आ रही है बल्ले के ऊपर। 209 का स्ट्राइक रेट है यशस्वी जायसवाल का, काफी बड़े हिट मारने की क्षमता है उनमें। और ये अच्छा शॉट कवर के ऊपर से, बेहतरीन टाइमिंग है, बैकफुट पे गए, 4 रन यहां पर मिलेंगे यशस्वी जायसवाल को। गेंद थोड़ा सा रुककर आ रही है बल्ले के ऊपर और यही थोड़ा सा यहाँ दिक्कत का काम हो सकता है स्पिनर के खिलाफ बल्लेबाजी करने के लिए। तीसरी गेंद, यशस्वी जायसवाल इस बार बैकफुट पे गए, पीछे खिलाड़ी मौजूद है, रन नहीं मिलेगी। 46 रन यहाँ पे बोर्ड पे लगते हुए किस तरीके से बल्लेबाजी होगी। विराट कोहली बल्लेबाजी करने के लिए आ चुके, इसके बाद सूर्य कुमार यादव आएंगे, रिंकू सिंह है, ईशान किशन है, बड़ी बैटिंग लाइनअप। लेकिन अगर रिक्वायर्ड रन रेट की बात करें तो प्रति ओवर 10 रनों की आवश्यकता भारत के लिए। चौथी गेंद, कदमों का इस्तेमाल करने की कोशिश, यहाँ पर अपील जरूर की गई है थर्ड अंपायर की तरफ, यहाँ पर अंपायर जाते हुए डिसीजन पेंडिंग और नॉट आउट का सिग्नल दिया है। यहाँ जरा देखेंगे आखिरकार हुआ क्या है, वहाँ पर गेंद डाली और यहाँ पर जो है कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद पैड पे लगने के बाद जमीन पर, उसके बाद रिजवान काफी तेज है विकेट के पीछे और जैसे ही स्टंपिंग करने से पहले मेरे ख्याल से यशस्वी जायसवाल जो है क्रीज के अंदर आ गया था पैर, इसलिए बच गए भाई। ये देखिए यहाँ पे पैर जो है उनका क्रीज के अंदर आ चुका था और इसलिए बच गए यशस्वी जायसवाल। लेकिन अच्छी ओवर अभी तक गई है, मात्र 4 रन इस ओवर में, 2 गेंदें बची है। इस ओवर की 5वीं गेंद और ये ऑन साइड पर गेंद को धकेला, फार लेग ऊपर है, 4 रन मिलेंगे। एक और बाउंड्री इस ओवर में, फाइन लेग का खिलाड़ी ऊपर रखा है और ये कमाल का शॉट खेलते हुए यशस्वी जायसवाल। तो 33 रन पे एक विकेट, इस ओवर की आखिरी गेंद, अब लास्ट गेंद का सामना करेंगे यशस्वी जायसवाल। और यहाँ पे विकेट है, बल्ले का भारी किनारा लगा है, दूसरा झटका भारत को यहाँ पे लगता हुआ। शादाब खान को आखिरकार विकेट मिल चुकी है, ऑन साइड पर मारने का प्रयास कर रहे थे यशस्वी जायसवाल, लेकिन जाना पड़ेगा इनको वापस ही। देखिए बल्ले को लग के सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद गई, यशस्वी जायसवाल ने बनाया 8 रन, 33 पे 2 भारत। ईशान किशन आएंगे अब, एक और लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज अब मैदान में आ चुके हैं। 3 ओवर में 33 रन पे 2 विकेट, बाबर आजम को फिर से गेंदबाजी दी गई है। आज शॉकिंग है क्योंकि बल्ले का भारी किनारा, विराट कोहली ने कदमों का इस्तेमाल किया है गेंद 4 रनों के लिए। स्पिनर को यहाँ पे मदद मिल रही है इस पिच के ऊपर, इसीलिए खुद कप्तान बाबर आजम यहाँ पे गेंदबाजी कर रहे हैं, तो हमने अभी तक कभी नहीं देखा रियल मैच में भी और गेम में भी। यहाँ पर चौका जड़ दिया है, 41 गेंदें बची है, 74 रनों की आवश्यकता। चेस मास्टर विराट कोहली स्ट्राइक पर, कदमों का इस्तेमाल, इस बार सही संपर्क है, कवर के ऊपर से गेंद 6 रनों के लिए। कमाल का शॉट यहाँ पर खेला है, पिछली गेंद पर ही बड़ा शॉट मारने का प्रयास कर रहे थे विराट, लेकिन ये देखिए पॉइंट के ऊपर से गेंद को भेज दिया है सीधा दर्शकों के बीच में। तो 43 रन पे 2 विकेट, तीसरी गेंद, 2 गेंदों में 10 रन पे पहुंच गए विराट कोहली। और ये रिवर्स स्वीप शॉट बहुत जबरदस्त है, ये एक और बड़ी हिट, 6 रन मिलेंगे विराट कोहली के लिए। 3 गेंदों में आ गए 16 रन इस ओवर में, काफी बड़ी ओवर जा रही है। ये देखिए रिवर्स स्वीप क्या मारा है शॉट,
बैक ऑफ विराट कोहली, पाकिस्तान के गेंदबाजों की धज्जियां यहां पे उड़ाते हुए विस्फोटक बल्लेबाजी आज विराट कोहली की तरफ से। चौथी गेंद और ये वाइड होगा। अब दबाव में बाबर आजम पूरी तरीके से दिशा से भटकते हुए वाइड का निर्णय यहां पे दिया है। तीन गेंदों में अभी तक 17 रन इस ओवर में आ चुके, 50 रन पूरे भारत के। चौथी गेंद, एक बार फिर से कदमों का इस्तेमाल, गेंद कवर के ऊपर से 4 रनों के लिए। आज विराट कोहली नहीं छोड़ेंगे, विराट कोहली वर्सेस बाबर आजम कांटे की टक्कर है। और ये देखिए कदमों का इस्तेमाल यहां पर भी किया गया, आराम से शॉट मार रहे विराट कोहली। 21 रन अभी तक इस ओवर में मात्र 4 गेंदों में आ चुके हैं। 38 गेंदे, 57 रन की आवश्यकता, 5वीं गेंद इस ओवर की। एक और बड़ा शॉट मारने की कोशिश यहां पर की लेकिन मिस कर गए इस गेंद को। आखिरी गेंद इस ओवर की, अब लास्ट गेंद का सामना करेंगे विराट कोहली। बैकफुट पे गए, सीधा फील्डर के हाथ में गेंद जाएगी। 4 ओवर की समाप्ति, 54 पे 2 भारत। और अब ईशान किशन बल्लेबाजी करने के लिए, शादाब खान स्पिनर को कंटिन्यू कर रहे। अच्छा शॉट है, डीप कवर में खिलाड़ी, सिंगल मिलेगी। 6 ओवर में 57 रनों की आवश्यकता भारत को यहां से मैच जीतने के लिए। 111 रनों का लक्ष्य दिया है पाकिस्तान ने 10 ओवर में। विराट कोहली 6 गेंदों में 20 रन पे बल्लेबाजी कर रहे। एक और शॉट, स्क्वायर ड्राइव, फील्डर के हाथ में गेंद जाएगी। और अभी अगर रन रेट की बात करूं तो प्रति ओवर 9 रनों की आवश्यकता यहां से। अगर भारत को मैच जीतना है तो जो 11 का रिक्वायर्ड रन रेट था वो अब नीचे आ चुका है। सिंगल मिलेगी, 56 रन पे 2 विकेट। द चेस मास्टर विराट कोहली यहां पे बल्लेबाजी कर रहे हैं और यहां से अब फिनिश करना होगा विराट कोहली को। वो कर भी सकते हैं इस तरीके से, अभी तक इन्होंने बल्लेबाजी की। ईशान किशन, ज़्यादा स्ट्राइक मिली नहीं इनको आज, अभी तक एक गेंद का सामना किया इन्होंने। लेकिन यहाँ पे फ्लिक मारा है, गेंद फाइन लेके ऊपर से 4 रनों के लिए। अगर लेग स्टंप के बाहर गेंद गिरेगी तो भाई छोड़ने वाले नहीं ईशान किशन। ये देखिए, लेकिन जिस तरीके से शुरुआत आज की, रोहित शर्मा ने ताबड़तोड़ 25 रन बनाए, उसके बाद ये अच्छी कंटिन्यू यहाँ पे कर रहे हैं। जिस तरीके से रन रेट अब नीचे, रिक्वायर रन रेट नीचे आता हुआ। 5वीं गेंद, फुल टॉस, लेकिन मिस कर गए इस गेंद को। 32 गेंदे, 51 रन क्या बनाएगी आज टीम इंडिया, तो विकटे हाथ में है, मात्र 10 ओवर की मैच। आखिरी गेंद इस ओवर की, इस बार भी बल्ले का भारी किनारा लगा लेकिन रन नहीं मिलेगी। 5 ओवर की समाप्ति, 60 पे 2 भारत। और अब हसन अली, जी हाँ, एक और गेंदबाज में परिवर्तन हुआ है। तेज गति के गेंदबाज अब हसन अली गेंदबाजी करने के लिए यहां पर सामने विराट कोहली। 8 गेंदों में 21 रन पे बल्लेबाजी कर रहे हसन अली की पहली गेंद, और यहां पे हवा में जरूर है, मिड ऑन के ऊपर से 4 रनों के लिए। हसन अली का स्वागत चौके के साथ यहां पर किया विराट कोहली ने। ये देखिए मिड ऑन के ऊपर से इस गेंद को भेजा है 4 रनों के लिए। जबरदस्त शुरुआत इस ओवर की होती हुई। बाबर आजम फील्डिंग बदलाव भी कर रहे हैं, 29 गेंदे, 47 रन दूर भारत अपनी जीत से। दूसरी गेंद इस ओवर की, विराट कोहली फुल टॉस यहां पर, और ये एक तोहफा है विराट कोहली के लिए। 6 रन यहां पर मिलेंगे। यॉर्कर गेंद डालने का प्रयास कर रहे हसन अली, लेकिन अगर ऐसे गेंद डालेंगे तो छोड़ने वाले नहीं विराट कोहली। ये देखिए फुल टॉस गेंद पर छक्का जड़ दिया है, जबरदस्त बल्लेबाजी। 70 रन हो चुके, 108 मीटर का छक्का यहां पे जड़ा विराट कोहली ने। 300 के स्ट्राइक रेट से रन बनाते जा रहे विराट। पुल मारा इस बार, जबरदस्त शॉट, गेंद स्क्वायर लेग के ऊपर से 4 रनों के लिए। एक से बढ़कर एक शॉट आज विराट कोहली के बल्ले से देखने को मिल रहे, कमाल की पारी आज के लिए। ये देखिए शॉर्ट पिच गेंद यहां पे डाली हसन अली ने, और जिस तरीके से पुल मारा, ये देखिए बहुत पावर है उनके हाथों में। सीधा ये गेंद 4 रनों के लिए, अब जीत के करीब भारतीय टीम बढ़ती हुई। 27 गेंदों में 37 रनों की आवश्यकता इस ओवर में आ गए, 14 रन 3 गेंदों में। यॉर्कर गेंद, इस बार विकेट कीपर ने अच्छी कोशिश की, रन बचाए मेरे ख्याल से। बल्ले का किनारा लेके गेंद गई थी लेकिन एक रन दौड़ के निकाली काफी तेज विकेटों के बीच में विराट कोहली।
पांचवी गेंद है ईशान किशन साहब ने, वो अच्छी गेंद, इस बार बल्ले का भारी किनारा लगाए, बल्ले का भारी किनारा, लेकिन कैच छोड़ दिया पीछे मोहम्मद रिजवान ने। बहुत बड़ी गलती यहाँ पर हो गई है। चर्चा कर रहे क्या रिव्यू लेंगे, लेकिन किस प्रकार का रिव्यू यहाँ पर लेंगे, अब ना कि LBW है। यहाँ पे बल्ले का किनारा लग के गए, थोड़ा सा और नज़दीक से देखेंगे। ये जो गेंद डाली हसन अली, काफ़ी तेज़ कर रहे गेंद को, ये देखिए टप्पा पड़ के गेंद जो है पहले पैड पे लगी है, जी हाँ, और उसके बाद पैड पे लगने के बाद गए, मेरे ख्याल से कैच नहीं है। थर्मल विजन में देखेंगे एक बार फिर से, ये देखिए गेंद पहले, जी हाँ, पैड पे लग के गई है ना कि बैट पे। तो पैड पे लगने के बाद शायद बैट पे भी लगी, थोड़ा सा अलग एंगल से हम देखेंगे। यहाँ बल्ले का किनारा लगा है, लेकिन पहले पैड के ऊपर गेंद लगी है, लेकिन चले यहाँ पे ना ही रिव्यू लिया, ना ही यहाँ पर जो है कैच पकड़ा है मोहम्मद रिजवान ने, तो कोई विकेट का चांस ही नहीं है। आखिरी गेंद, अब 25 गेंदों में 36 रन चाहिए। आखिरी गेंद इस ओवर की, अब ईशान किशन स्ट्राइक पर, यॉर्कर गेंद, इस बार भी मिसफील्ड हो चुके रिजवान की तरफ से, एक रन मिलेगी। 6 ओवर की समाप्ति, 76 पे 2 भारत। 6 ओवर के बाद 76 रन पे 2 विकेट। अब फहीब अशरफ यहाँ पे गेंदबाजी करने के लिए आ चुके हैं। 76 रन पे 2, 111 रनों का लक्ष्य भारत के लिए। 24 गेंदे, 35 रनों की आवश्यकता है। यॉर्कर की कोशिश यहाँ पर की, एक रन नहीं मिलेगी, सीधा फील्डर के हाथ में गेंद गई है, लेकिन भारत की मजबूत बल्लेबाजी यहाँ पर, खासकर विराट कोहली विस्फोटक बल्लेबाजी आज की है उन्होंने। 12 गेंद में 36 रन, 300 के स्ट्राइक रेट से रन बनाते जा रहे विराट कोहली। लेकिन ईशान किशन अभी तक 7 गेंदे, बल्ले का भारी किनारा लेके गेंद 4 रनों के लिए गई है। रन तो रन है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल गैप में गेंद गई, काफ़ी तेज़ गई है। ऑन साइड पर खेलने का प्रयास कर रहे थे, थर्ड मैन ऊपर, पॉइंट का खिलाड़ी, वो भी 30 गज के दायरे के अंदर है। 22 गेंदों में 31 रनों की आवश्यकता है। तीसरी गेंद इस ओवर की, ईशान किशन सामने, और इस बार ऑन साइड पर मारने की कोशिश की है, मिसफील्ड। शाहीन शाफरीदी वहाँ पर मौजूद है। एक और सिंगल मिलेगी, अब विराट कोहली स्ट्राइक पर आ चुके हैं। क्या अर्धशतक पूरा करेंगे विराट कोहली। 21 गेंदों में 30 रनों की आवश्यकता है। 12 गेंदों में 36 रन पे विराट कोहली। गेंद, एक और कवर ड्राइव, ये सटीक यॉर्कर है अशरफ की तरफ से, बिल्कुल जड़ में गेंदबाजी कर रहे हैं। 20 गेंदों में 30 रन, ये मैच पूरी तरीके से अब भारत के पाले में दिखाई दे रहे, शायद अगले ओवर तक मैच खत्म भी करेंगे। कट किया है ये गेंद पॉइंट के ऊपर से 4 रनों के लिए, द चेस मास्टर विराट कोहली। और यहाँ पे 50 रन की साझेदारी पूरी हो चुकी है, और विराट कोहली को रोकना बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान के खिलाफ तो हर बार दमदार पारी खेलते हैं। ये शॉट देखिए, ऑफ स्टंप के बाहर शॉर्ट पिच गेंद डाली थी। 85 पे 2, 19 गेंदे 36 रन, आखिरी गेंद है इस ओवर की। अब विराट कोहली स्ट्राइक पर, एक और गेंद कट किया है, फिर से जाएगी बाउंड्री लाइन के पार। 7 ओवर की समाप्ति, 89 पे 2 भारत। ये देखिए विराट कोहली ने जिस तरीके से शॉट खेला है, बहुत बेहतरीन शॉट। गेंद 4 रनों के लिए, और अब 7 ओवर पूरे हो चुके। जमान खान एक और राइट आर्म फास्ट गति के गेंदबाज है। 18 गेंदे बची है, और 18 गेंदों में भारत को चाहिए 22 रन। ईशान किशन सामने, पहली गेंद यॉर्कर, लेकिन फील्डर के हाथ में गेंद जाएगी, मिसफील्ड हुई है। बल्ले का किनारा जरूर लगा यहाँ पर, एक रन दौड़ के निकाले। 44 रन पे विराट कोहली है। महेंद्र अमरनाथ स्टैंड, दिल्ली का ये बहुत खूबसूरत मैदान जहाँ पे मैच हो रही है। 17 गेंदे, 21 रनों की आवश्यकता है। दूसरी गेंद इस ओवर की, क्या इस ओवर में जिताएंगे विराट कोहली। सामने की तरफ शॉट, बहुत बड़ी हिट, 6 रनों के साथ अर्धशतक पूरा यहाँ पे विराट कोहली का। मात्र 16 गेंदों में 50 रन, 6 चौके और 4 छक्के की मदद से जबरदस्त बल्लेबाजी यहाँ पे विराट कोहली की तरफ से। 16 गेंदों में 50 रन पे बल्लेबाजी करे, और 15 रन और चाहिए भारत के लिए। इस बार फ्लिक किया है, एक और छक्का यहाँ पर। विराट कोहली की विराट पारी आज हमें देखने को मिली है।
ये देखिए क्या खतरनाक शॉट मारा है वर्ल के ऊपर से, पाकिस्तान के गेंदबाजों की धुलाई कर दी यहाँ पे विराट कोहली ने। जी हाँ, भारत जीत के करीब, अब मात्र 9 रनों की आवश्यकता भारत के लिए। इसी ओवर में मैच को खत्म करना चाहेंगे विराट कोहली। कट किया है गेंद बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से 4 रनों के लिए। इसी ओवर में शायद मैच को खत्म करना चाहेंगे विराट कोहली। बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से गेंद गई सीधा 4 रनों के लिए। जरा फिर से इस शॉट का एक्शन रिप्ले देखेंगे। शॉर्ट पिच गेंद जिस तरीके से डाली इन्होंने, हर दिशा में शॉट मार रहे विराट कोहली। वन बाउंड चौका पॉइंट के ऊपर से, 2 गेंदे बचे इस ओवर की, 5 रनों की आवश्यकता, एक विनिंग शॉट की आवश्यकता है। क्या छक्का जड़ेंगे? और जी नहीं, यॉर्कर गेंद यहाँ पे डाली, रन नहीं मिलेगी। आखिरी गेंद बचे इस ओवर की, मात्र 5 रन दूर भारत अपनी जीत से, मात्र 5 रन दूर भारत इस ओवर की। आखिरी गेंद पर हम उठा के शॉट और 6 रनों के साथ भारत ने मैच को जीत लिया। जी हाँ, मात्र 7 ओवर में 111 रनों का लक्ष्य पूरा कर दिया और 20 गेंदों में 66 रन की पारी आज विराट कोहली की। द चेस मास्टर विराट कोहली रहेंगे मैन ऑफ द मैच इस मैच के। जी हाँ, इंडिया विन दिस मैच बाय 8 विकेट्स। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का।